Good morning, students. How are you? Hope so you are safe and fine at your home. Last period में हमने हिंदी का poem 5 हिंद देश के निवासी पढ़ी थी, समझी थी और मैंने आपको उसको लिखने के लिए भी कहा था और लर्न करने के लिए भी कहा था. तो hope so कि आपने वो लिख ली होगी और लर्न करना भी शुरू करा होगा. अब इसके आगे के पार्ट में हम इसका व्याकरण भाग, भाषा सच्चता में व्याकरण भाग देखेंगे. हमने जो इसके पहले के लेसन थे उसमें संज्ञा देखी थी. संज्ञा के प्रकार भी थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा. तो इस तरह जो संज्ञा के प्रकार थे, लेकिन अब इस लेसन में संज्ञा के बाद दूसरा स्टेप है सर्वनाम. तो सर्वनाम क्या है वो अब हम इस लेसन में समझेंगे. पहले यहाँ भाषा संस्था में प्रियंका एंड मीना दो गर्ल्स हैं, उनकी कुछ कन्वर्सेशन है और कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया है. तो आप ये पैराग्राफ एक बार रीड करवा रही हूँ मैं, आप उसके साथ साथ देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वर्ड हाईलाइट क्यों किए गए हैं और उसके आगे हम उसको समझ पाएंगे. तो चलिए पहले ये पढ़ते हैं. प्रियंका, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है? मंदिर नहीं आना? तू वर्ड. मीना, नहीं मेरा मन नहीं लगता. मेरा. प्रियंका, अरे हाँ आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना. तुम, ये वर्ड हाईलाइटेड वर्ड है तो मैं आपको एक बार और वापस अलग से बता रही हूँ. मीना, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ पर मुझे खेलना रास नहीं आया. मुझे. प्रियंका, क्यों? मीना, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया. माँ से शिकायत कर दी. प्रियंका, ओह अब समझी तेरी उदासी का राज. तेरी, खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए. मीना, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है. अब मैं ध्यान रखूंगी. आप, मैं. अब यहाँ पे कुछ वर्ड हैं तो वो पहले इसमें से ये जो संवाद हैं, जो डायलॉग्स एक दूसरे से बोले हैं, उनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा हमको ढूंढनी है कि इनमें से कौन है जो व्यक्तिवाचक, मतलब किसी का नाम है, कोई जगह भी हो सकती थी, प्राणी हो सकता था, पक्षी जो हमने आगे लेसन्स में किया था. तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? प्रियंका है, मीना है, मौसी है. मौसी भी संज्ञा ही है, व्यक्तिवाचक पर्टिकुलर बताया है. तो इनमें से कुछ संज्ञा हमको ढूंढकर लिखनी थी. व्यक्तिवाचक है, नहीं तो हम और भी कुछ वर्ड ले सकते थे. तो इनमें जो ये यूज़ हुई हैं, अब इनके स्थान पर सीमा मौसी, प्रियंका और मीना, ये तीन व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर दे रखी हैं. अब इनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, आगे से आगे भी था और पीछे भी था. तो प्रियंका ने जैसे अपने लिए उपयोग किया कि वर्ड किए थे कि भाई मैं हूँ या मुझे है, तुम हो. सीमा मौसी के लिए यूज़ किया था उसने यहाँ पर कि उन्होंने है. तो इस तरह से कई वर्ड, मैं, हम, तू, तुम, आप, वे, वह, उसने, उन्होंने, वो शब्द. तो अब इसके अनुसार हम नीचे इस परिभाषा को पूर्ण कर सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं. जो शब्द संज्ञा, वर्ड्स विच आर यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. जो हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, हिंदी में भी हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है. इसमें यहाँ पर इसके प्रकार भी हैं, दो प्रकार इस लेसन में आएंगे इसके. जैसे वाक्यों को हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं और अन्य व्यक्ति को भी सूचित कर रहे हैं, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उसे इसमें अलग छांट कर लिखना है कि भाई मैं बोल रही हूँ. तो ये इसमें से टाइप आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम का, पर्सनल प्रोनाउन. जैसे यहाँ पर से संज्ञा जो सर्वनाम है वो उसमें से आपको छांट कर यहाँ जो ब्लैंक पोर्शन है उसमें लिखनी है. मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आया, तो यहाँ पर वर्ड आया मुझे. हम मैच जीत गए, हम. तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो, तुम. तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं, तुम्हारी. वह कैप्टन है, वह. उसने एक लंबा छक्का लगाया, उसने. तो यहाँ पर तुम, तुम्हारी, वह, उसने, ये शब्द उपयोग हुए हैं. तो जब हम बातचीत करते हैं तो कभी अपने बारे में, मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने बारे में, कभी आपके बारे में, सामने जो मेरा बात सुन रहा है
उसके बारे में, और कभी कोई अन्य व्यक्ति जो हो सकता है उस वक्त वहाँ प्रेजेंट नहीं हो उसके बारे में भी हम बात करते हैं, तीसरे व्यक्ति के बारे में भी। तो बातचीत करते समय हम जब तीन लोगों के बारे में बातचीत करते हैं तो उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम में उपयोग मतलब कंसिडर करते हैं। उत्तम पुरुष, ये भी आपके आगे टेक्स्ट बुक में है, यहाँ पे देखिए डिफाइन है, जब हम बातचीत करते हैं तो अपने बारे में, श्रोता के बारे में, और कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। बातचीत करते समय हम तीन प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन में आएगा, मैं, हम, जो मेरे से रिलेटेड है, मुझे, हमें आदि। मध्य पुरुष सेकेंड पर्सन, तू, तुम, आप, तू से रिलेटेड बोलेंगे तुझे, तुम्हें, तुम्हारा। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, वह, वे, उसे, उन्हें, उसका, इस तरह से। तो जब हम ये तीन लोगों के बारे में, मेरे बारे में, आपके अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उस सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये आई पुरुषवाचक सर्वनाम की डिफाइन, मैंने आपको यहाँ पर बताई। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद एक और सर्वनाम यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं अपने बारे में ही निजत्व या अपनेपन का बोध होगा, मैं अपने बारे में, मैं अपने आप चली जाऊँगी, मैंने अपने आप अपना काम कर लिया, और वह आप ही चला जाए, मतलब अपनेपन का बोध हो रहा है, खुद चले गए, खुद, स्वयं, अपने आप। तो इस तरह के जो शब्द हैं, तो कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है जिनसे निजत्व या अपनेपन को बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर भी उदाहरण दे रखे हैं, और ऊपर जो एग्जाम्पल है उसमें भी खुद के लिए जो शब्द हैं वो छाँट कर इस बॉक्स में लिखने हैं। जैसे राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया, तो स्वयं, मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप, मैंने अपने आप की बात करी, राजीव की भी स्वयं बल्लेबाजी करने आया, तो निज के लिए अपनेपन का बोध हो रहा है, या अपने लिए बात बता रहे हैं। तो जब इसका प्रयोग होता है तो इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस लेसन में हमने दो सर्वनाम देखे, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक जब हम अपने लिए, मैं अपने, किसी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, तब निजवाचक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब हम स्वयं के लिए वो बात वर्ड यूज़ कर रहे हैं, खुद, स्वयं, अपने आप, जिससे अपनेपन का बोध होता है, तो हम उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें हमको ये टेक्सचुअल एक्सरसाइज में भी ये भरना है, जो हम टेक्स्ट बुक में भरेंगे, मैं आपको एक्सरसाइज भेज दूँगी। आपको ये सर्वनाम भी समझ में आई होगी, एक बार आप टेक्स्ट बुक में से दोनों पेजेस फिर से रीड करिएगा, डिफाइन भी है और एग्जाम्पल भी है, तो आपको आसानी होगी समझने में। ओके, अब हम आगे के लेसन जब स्टार्ट करेंगे तब उसमें और हो सकता है सर्वनाम के प्रकार आएंगे, तब तक आप इसको पढ़िएगा और अपनी बुक कंप्लीट रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, बाय बाय।